दोस्तों, कल आपसे एक सवाल मैंने पूछा था कि बारिश आने से पहले इतना ज़्यादा गर्म या भपका क्यों होता है, तो उसी का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें हम जानेंगे, पूरी प्रोसेस को समझेंगे। और बहुत सारे लर्नर्स हैं, मुझे खुशी है कि बहुत सारे लर्नर्स के काफ़ी सही जवाब हैं, लेकिन एक पूरा इसका प्रोसेस क्या होता है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। इसीलिए मैं किसी का कमेंट को पिन नहीं कर पाया, क्योंकि एक से ज़्यादा लर्नर्स के जो आंसर हैं वो काफ़ी नज़दीक थे। तो उन सभी के आंसर का स्क्रीनशॉट मैं YouTube चैनल ज्योग्राफी विद अंकित के YouTube चैनल जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर, और ये Instagram पर भी पोस्ट करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है वो कितना नज़दीक था, और इससे तो पता ही लग जाएगा। चलिए इसकी पूरी जो प्रोसेस है पूरा किस तरीके से ये इतनी ज़्यादा गर्मी होती है उसको समझते हैं। हमारी अर्थ पर जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो सूर्य है। सूर्य से जो रेडिएशन निकलता है उसे हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं, यानी कि सूर्य से आने वाली तरंगें। इन्हीं सोलर रेडिएशन को हम शॉर्ट वेव रेडिएशन या लघु तरंग विकिरण भी कह सकते हैं। जब ये तरंगें पृथ्वी तक आती हैं तो पृथ्वी के सरफेस पर टकराने से पहले ये हमारे अर्थ के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट करती हैं, एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्सटेंडेड है ऊंचाई में, और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल जिन्हें हम SPM भी बोल देते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और साथ ही साथ क्लाउड्स भी हैं। तो आते हुए भी ये जो रेडिएशन है इन सभी चीज़ों से इंटरेक्ट करता है, और इसके बाद ये सरफेस पर पहुंचता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब रेडिएशन सन का आता है अर्थ की तरफ, तो बहुत सारा रेडिएशन तो ये पहले ही आउटर एटमॉस्फेयर में स्पेस में वापस चला जाता है, वो आता ही नहीं है सरफेस तक। जो बचता है वो सरफेस पर आता है, वो भी फिर इन डस्ट पार्टिकल वगैरह से इंटरेक्ट करेगा। इसके बाद जब किसी पॉइंट पर पहुंचता है सन का रेडिएशन, तो ये उस एरिया को गर्म कर देगा। तो जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा हाई टेम्परेचर हो जाएगा उस रीजन का। जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो हवा वहाँ की गर्म होगी, गर्म होगी तो वो हल्की होगी, ऐसे हम कहते हैं लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, और हवा अगर हल्की होगी तो हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। जैसे हम पानी बर्तन भी गर्म करते हैं तो उसमें जो अगर भाप होती है वो हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर उठती है, ऐसे ही यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी। जब भी हवाएं ऊपर उठती हैं उन्हें कन्वेंशनल करंट कहते हैं, यानी कि संवहनी तरंगें। हवा ऊपर उठी, एडियाबेटिक चेंज होगा, रुधोष्म दर होगा, हवा एक्सपेंड होगी और ठंडी होगी। ठंडी होगी तो ठंडी होने से फिर ये ड्यू पॉइंट को प्राप्त करेगी, उषांक बिंदु को, एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जिसके बाद फिर हवा में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन यानी कि संघनन की प्रक्रिया। संघनन तब होगा जब संघनन जब 100% हो जाएगा, मैक्सिमम लेवल तक हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर काफ़ी एकदम आप कह सकते हैं कि 100% ह्यूमिडिटी हो चुकी है, तो एक तरीके से स्टेबल हो चुका होता है। और जब कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा 100%, उसके बाद बनेंगे क्लाउड्स यानी कि बादल। तो पूरे एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में बादल होते हैं, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी 100% होती है, जिस वजह से एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाता है। और ये जो बादल हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ आउटगोइंग रेडिएशन को, क्योंकि इनकमिंग रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हो रहा है, आउटगोइंग रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। तो आउटगोइंग यानी कि दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण पृथ्वी से टकरा के जाने वाली, इस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की जो ये गर्म हवा है वो वापस नहीं जा पाती है, और एटमॉस्फेयर में हम गर्मी फील करते हैं। जैसे ही बारिश खत्म होती है बादल छटते हैं, एटमॉस्फेयर ये पृथ्वी का जो रेडिएशन है आउटगोइंग रेडिएशन ये सरफेस से टकरा के वापस स्पेस में जाता है, जिस वजह से जो गर्मी है वो कम होती है। अदरवाइज़ ये क्लाउड्स, वाटर वेपर, डस्ट, ये सारे चीज़ें आउटगोइंग रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, इसको ट्रैप होना कहते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लाउड्स का, क्योंकि क्लाउड्स सबसे ज़्यादा मात्रा में काउंटर रेडिएशन वो करते हैं, या फिर इसे री रेडिएशन भी कहते हैं। काउंटर या री रेडिएशन का मतलब है कि जो सरफेस से टकरा के एनर्जी जा रही है इसको ये वापस अर्थ सरफेस पर ही भेज देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्लाउड्स जब रहते हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है, हम एक भपका सा महसूस करते हैं। आपको ये पूरी प्रोसेस जान करके कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिनको नहीं पता है उनके साथ भी इनको शेयर कीजिएगा, टैग कीजिएगा। आपके मैं जो कमेंट है उनको पोस्ट करूंगा यूट्यूब चैनल पर भी ज्योग्राफी विद अंकित, और यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके के किस किस टॉपिक पर आप वीडियोस आते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये आपको कैसा लगा जानकारी ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।